अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज ये होने का ये है कि माविया ने चौक पाँव पर गिरा दिया है, तो इस वजह से जो है मैं कुछ कर नहीं पा रही थी, चल भी नहीं पा रही थी। तो ये उनके बाबा और मेरा भाई ये मेरे मिलते सुबह सुबह का टाइम था, तो नाश्ता बनाया उन लोगों ने, नाश्ता बना ली थी क्योंकि मैं खुद नहीं हो पा रही थी। बहुत ज़्यादा मतलब चोट लगी है मेरे पाँव पे ना, हड्डी पे लगी है पाँव के। मैं क्या बना रहे देखें कि हल्दी वगैरह जो है मैंने एहतियातन मैंने खुद जो है मतलब बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, तो मैंने जो है हल्दी वगैरह बना के मैंने लगाया। मम्मी जो है बताती हैं लगाने के लिए, ये बेचारे बहुत परेशान हो रहे थे। घर से बातें ना करने वाला इंसान उसके ऊपर कोई बाहर आ जाए तो कितनी परेशानी होती है। मैंने कहा चलो अब जैसे भी करके हम नाश्ता बनाएं, अब लोग करें नाश्ता क्या कर सकते हैं। उसके बाद जो है फिर मैं हॉस्पिटल गई, अब्बासी गई हूँ, उससे चला भी नहीं जा रहा था क्योंकि बुरी हालत हो रही है कि मुझे ले चल रहा हूँ बैठा के लेके जा रही थी। मुझे राजीव सर के जो है एक्सरे करवाने के लिए कि मतलब हड्डी पर चोट तो नहीं लगी, मतलब हड्डी के अंदर कोई मसला तो नहीं, रुको तो मुझे दिखाने के लिए लेके गए। तो उसके बाद डॉक्टर को दिखाया तो थोड़ा सा फ्रैक्चर आया है, ये पाँव की जो उंगलियाँ होती हैं ना बीच वाली जो दो उंगलियाँ होती हैं मतलब दरमियानी चोट लगी है। तो मैंने तो इंसान को तसल्ली हो जाती है जब एक दफ़ा जो है डॉक्टर को जब दिखा दी या एक्सरे वगैरह करवा दे। तो मैंने खैर दिखा दिया, उसके बाद हम लोग चले गए हैं जूस पीने के लिए। उम्र जो है पास हम लोग आए हुए हैं, जूस पी रहे थे। मुझे गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही थी इस वजह से, इतना खास आपको पता है हमारा बाहर निकलना और असल में हम लोग जो है अम्मी लोगों के घर पर आए हैं, तो अम्मी लोगों के घर से ही जो है उनको लेके जो है तो सिस्टर क्योंकि अक्सर हम लोग आपको पता है हॉस्पिटल वगैरह लग जाते हैं तो फिर साथ में ही होती हैं। फिर हम लोग घर पहुँच गए, घर में आए तो फिर बर्थडे को की तैयारी हो रही थी क्योंकि ईद के तीसरे दिन या दूसरे दिन जो है हम लोग जो है अम्मी लोगों के घर पे आते हैं, ये सब जो है कोयले वगैरह जला रहे हैं कि जो है मिल के बर्थडे क्यों करते हैं। लेकिन मेरी हालत ऐसी है, सपोर्ट कर लूँगी। भाई जो है आओ केसा विच नाम ने बीबा शरे आम ने चल दे न्यूज़ा ते ना मुंडे गुमनाम ने पूरे ताम जाम ने ताही बदनाम ने जिन्हां नूं तू खास दसे साडे लई ओ आम ने। फिर ये मीठा भी जो है क्योंकि दोपहर के खाने में खाया नहीं था, मैं फॉरन चले गई थी डॉक्टर के पास, तो फिर हमने मीठा ला के दिया। और ये लोग यहाँ पे धक्के लगा रहे थे ये जो सिस्टर बैठे में क्या करते हैं वीडियो ही बना रही थी और माँ भी अभी बहुत इंजॉय कर रहा था। बच्चों के तो मज़े हो जाते हैं, कज़न वगैरह सब रात का टाइम में सब जो है छत पे बैठे हुए हैं, सब इंजॉय कर रहे हैं क्योंकि ईद पे जो है हमारा कहीं निकलना होता ही नहीं है और अम्मी के घर पे ही हम लोग आते हैं। बहुत अच्छा लगता है जब सारी बहनें एक साथ होती हैं, बहुत मज़ा आता है। फिर जो है दस्तरखान वगैरह जो है लग चुका है और ये देखें मज़े मज़े की सीखें बना के सब और मैंने बच्चों को बोला है कि जरा थोड़ी सी मुझे दस्तरखान की वीडियो भी मुझे बना के दे दो क्योंकि खाने की तैयारी चल रही थी। तो मैंने कहा चलो मुझे थोड़ी सी वीडियो बना के दे दो, मैं जो है कभी वीडियो अपलोड करूँगी उसके साथ, थोड़ा दस्तरखान का सीन भी थोड़ा सा होना चाहिए। तो खैर इन बातों को छोड़ते हैं और चलते हैं अपनी पूरी दस्तरखान की वो दिखाती हूँ मैं आपको। अभी सबको जो है बुला रहे थे, अभी खाना खा लो खाना खा लो, खाना तैयार है, किसी को कोई होश ही नहीं है, सब अपने अपने उसमें जो है बच्चे आके तंग कर रहे थे। गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही थी, बच्चे इतना परेशान भी हो रहे थे, लाइट भी नहीं है क्योंकि रात उड़ती रात में लाइट नहीं होती।
खेल रहे हो या खाना खाने के लिए बैठे? खा लो तो लाइट भी आ जाएगी, नीचे थोड़ी बहुत हवा चल रही है, सुकून से जरा यार खा लोगे, लेकिन जब नीचे जाएंगे तो नाया क्या कर रही है? बच्चे जो है एक दूसरे से तो इन लोग आके बैठे, हमने कहा चले आप भी चले खाना खा लें, हम बहने जो है बाद में खाएंगे, तो आप लोग खाना खाना खा लें उसके बाद। तो आप लोग मेरे लिए जो है कभी कौन सी जो है कभी कौन सी जो है इन शाला मेरे लिए जो है वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।